Yes, sir. Can you, sir? No. Sir, of course, sir. Sorry. हाँ चालू हो गया चालू हो गया एक सिंगल निकलता है हाँ हाँ सब आ गए हाँ सब लोग आ गए हाँ सर आ गए राइट सर कड़वी हवा शायद हमारे आज की डेट की सबसे रिलेवेंट फिल्म है बिकॉज जो इस वक्त सबसे प्रेसिंग मैटर पूरे मैनकाइंड के लिए सब इंसानों के लिए जो है वो है क्लाइमेट चेंज का फिल्म का बैकड्रॉप क्लाइमेट चेंज है फिल्म की कहानी जो है वो भी बहुत रिलेवेंट है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एक अंधे बूढ़े किसान की जो कि हर किसान की हिंदुस्तान में हर किसान की तरह कर्जे में फंसे हुए हैं और इस मुकाम पे उनकी लाइफ में एक लोन रिकवरी एजेंट उनके गांव में आते हैं जिनकी रेपुटेशन ये है कि जहां भी जिस गांव में भी ये लोन रिकवरी एजेंट जाता है वहां पे दो तीन किसान तो लटक जाते हैं सो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा होता है ये फिल्म की कहानी है अब मैं आपको बताऊँगा इस फिल्म के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं काफ़ी दिग्गज लोग जुड़े हैं उसमें मैं अपनी गिनती नहीं कर रहा हूँ डोंट वरी फिल्म के राइटर को राइटर डायरेक्टर हैं नील माथव पांडा जिनके बारे में मैं क्या कहूँ आप सब उनको जानते हैं उनकी फिल्मों को भी जानते हैं आयम कलाम से उन्होंने जो एक सफ़र शुरू किया उनकी हर फिल्म में ना सिर्फ बहुत खूबसूरत कहानियाँ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप्स रहे हैं बल्कि एक हमेशा एक बड़ा थीम एड्रेस हुआ है तो प्लीज वेलकम नील माथव पांडा फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा नहीं यहाँ पहले आप बोलना चाहिए नहीं आप 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 फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं एक और बहुत दिग्गज शख्स जिनके बारे में आजकल तो आई थिंक हर हर तीन महीने में सर तीन महीने हर महीने में आप जरूर सुनते होंगे उनकी फिल्म इस साल की हमारी भारत की ऑस्कर एंट्री भी है न्यूट्रन सिर्फ नाम ही काफ़ी है मनीष मुंद्रा जी और हम सब जिनके कंधे पे इस फिल्म में चढ़ के घूम रहे हैं वो हैं निहायत ही टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड और दिग्गज एक्टर जिनका नाम है संजय मिश्रा जी और मैंने देखा नहीं मैं मिला नहीं उन्होंने क्योंकि अपना सर्वर कवर किया हुआ किसी वजह से बट आज हमारे बीच एक अगेन बहुत टैलेंटेड राइटर हमारे बीच हैं जिन्होंने ये फिल्म को राइट की है लिखी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी तब से लेकर इस फिल्म की एक्सेलेंस जो है वो उभर उभर कर बाहर गिर रही है सो प्लीज़ वेलकम नितिन दीक्षित हो गया चलेंगे बाइट आराम सुकून से करेंगे एकदम सामने थैंक यू गाइस प्लीज रिमेंबर सर रुकिए सर रुकिए 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 सर वीडियो के लिए रुकिए 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 सर वीडियो के लिए और एक देख लेते हैं ट्रेलर एक बार वापस एक बार और देखिए वापस लेकिन पिक्चर जरूर देखना जरूर सर आप दिखाएंगे बाद में आया आप जरूर आर यू फीलिंग टायर्ड आई विल होल्ड इट नो यू शो या
ला यार मेरे को दे देना, उन कितने माइक पकड़ेंगे वो, मैं पकड़ लेता हूँ। अरे यार फुल से बहुत बड़ी, अरे आई वोंट टेक पार्ट ऑफ योर सैलरी। तार तो छोड़ो यार, आप इन डिटेल के लिए टिकट कटाइए प्लीज और फिल्म देखिए, बिकॉज यही नहीं है कि सिर्फ जो मैसेज है या थीम है फिल्म का, फिल्म बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, गाना बहुत अच्छा है, जैसा आपने सुना अभी ट्रेलर में भी। सो प्लीज़ जाके फिल्म देखें, तब आपको पूरी कहानी। दो लाइन में मैं बोल दूँ? हाँ जी। दो लाइन में कहानी ये है कि एक अंधा बूढ़ा किसान है जो जो कि कर्जे में है, और उस उनके गांव में वसूली के लिए बैंक का एक नया लोन रिकवरी एजेंट आता है, जिसकी रेपुटेशन ये है कि वो जहाँ जाता है वहाँ पर वो किसान खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, इतना निचोड़ के पैसे निकालता है उनसे। तो ये दो लाइन में ये कहानी है। बट अगर ऊंची तरह से देखें, अगर ओवरऑल देखें, कहानी ये है कि हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, कि अगर किसी को बोलो क्लाइमेट चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, तो लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन जिस दिन बॉम्बे में बाढ़ आती है या महाराष्ट्र में इतने सारे सूखे पड़ते हैं, तब पता चलता है कि कुछ एक मेजर हो रही है, मतलब मेजर कुछ क्लाइमेट चेंज हो रही है ना। मुद्दा ये है कि एक श्याम जी ने, श्याम बेनेगल जी ने एक बढ़िया आर्टिकल इंटरव्यू दिए थे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है, उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो कहानी ये है कि एक छोटी सी गांव की, चंबल की कहानी है, एक अंधा बूढ़ा जो ग्लोबल वार्मिंग को के साथ लड़ाई करता है। बेसिकली जो इमोशनल इकोनॉमिकल जितने इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की, एक छोटी सी कहानी में हम बोल रहे हैं, विच इज़ अ ग्लोबल स्टोरी। इट्स ऑलमोस्ट, आप देखा जाए तो वो जवाब दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसकी वजह से हम सब पीड़ित हैं, अब आंखें खोलिए। वो अंधा है, दूसरों को बोला आंखें खोलिए। एंड इट्स जैसे अभी हर कोई बोलते हैं कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है। कंटेंट वाइज आई वुड से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटरटेनिंग स्टोरी। एंटरटेनिंग मीन्स यू विल टेक समथिंग बैक होम, ऐसा नहीं कि एक बार में देखा, माइंडलेस एंटरटेनमेंट नहीं है, जो आपके साथ कुछ लेके जाओगे फिल्म में। सो आई वुड से दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ आर टाइम। We are doing exactly that. We depending on you to tell people what a good film it is, and please come and watch the film. But I think I would say in one line that जब एक बढ़िया फिल्म होती है ना, एक बढ़िया फिल्म को लोग देखने के लिए आते हैं। अभी देखिए न्यूटन का रिजल्ट क्या हुआ, न्यूटन भी तो छोटी सी इंडिपेंडेंट फिल्म है, बट कंटेंट बढ़िया है। अभी ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आएंगे। आप देखिए हर फिल्म में तो प्रमोशन करोड़ों रुपए की प्रमोशन होती है ना, कौन सी फिल्म में प्रमोशन लोग छोड़ते हैं। मैं इनफैक्ट वो प्रमोशन की भी बारे बोली, आप अगर देखेंगे लोगों की रिएक्शन, हम अभी डेढ़ घंटा हुआ ट्रेलर रिलीज़ किए हैं, बट आप अगर उसकी व्यूज़ देखेंगे और जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। जितने मेहनत किए कम से कम एक फल मिला कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रही है, और ट्रेलर में तो कुछ नहीं है, आप फिल्म देखेंगे तो तब लगेगा कि कुछ अद्भुत चीज़ है। What always makes me work on every film, I'm always looking for projects that have great scripts, great directors, a good intention, you know, one which is not only about making money or not only too much about self-indulgence on the other extreme. So for same with Kadvi Hawa, it was a fabulous script written by Nitin Dikshit and Mr. Panda. And I just jumped on the script and we hit off quite well. You know, I understood his vision. He had a. It's I guess it that finally it becomes about, you know, how much you of the director's vision you can share. The more you can, you more you are in agreement of how the director sees this film, the more excited you get, because you know that you are part of it. Yes, we are on the same page. So the same thing, and in fact, since then I have worked on another film with him, because I find that I like his sensibilities, I relate with his sensibilities in cinema. So it's always a joy working with somebody like that. What's the best part about Sanjay Mishra? Best part about Sanjay Mishra, off screen or on screen? Both. On screen, though, I have to say he's just a fabulous, fabulous actor, and it's an honor and a privilege to be working with him.
be sharing the screen with him. And off screen, he's extremely funny. I mean, you know, he's very entertaining. And he's very hospitable. वो बहुत बहुत ध्यान रखते हैं उनके साथ आप रहो ना तो बढ़िया खाना खिलाते हैं कभी खाना अब खाना दिक्कत नहीं होगी आपको मतलब ये जो सब जो बेसिक चीज़ें आपकी हर चीज़ का वो ध्यान रखते हैं सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम ऑफ स्क्रीन सर जैसा कि आपने कंटेंट लिया है किसान की लाइफ उसकी गरीबी जैसा देखा जाए तो बॉलीवुड से आपको बहुत सारी कमेंट या कॉम्प्लीमेंट मिले रहे कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अभी तो एक तो अजय जी ने ट्वीट किया है अजय देवगन ने सो अभी तो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है सो आई गेस अभी और लोगों से सुनेंगे बट थैंक यू भाई बेहतरीन चीज़ देखिए फिल्म की नसीब जो बोलते हैं फिल्म की अपनी नसीब होती है एंड आई वुड से दैट आई एम ब्लेस्ड आई थिंक दिस वाज द इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फिल्म आई एवर डन बिकॉज थ्री बेस्ट एक्टर एवरीबडी नोज what Ranveer Shorey, Sanjay Mishra and Tilottama Shom gives. That's the speciality of the film. Also, one point as an industry we should not forget ki ye film Super 16 celluloid mein shoot hua hai because jo 4-5 saal se India mein sab digital shoot karte hain. Humne Super 16 camera leke Chambal mein shoot karke aaye hain jiske wajah se aapko ek nayi look dekhne ko bhi milega. So there is speciality. 48 degree, 50 degree mein. ये चंबल में पूरी फिल्म धौलपुर के पास हाँ जी क्या पूछ रहे सर टाइटल कड़वी हवा हाँ अच्छा लगा नहीं बहुत अच्छा लगा तो बताइए सर कड़वी हवा ये तो किसी को भी पूछेंगे तो हर जगह कड़वी हवा ही है अभी चाहे मुंबई बोले दिल्ली बोले धौलपुर बोले बुंदेलखंड बोले हर जगह कड़वी हवा है क्योंकि हवा ही बदल चुकी है तो हवा बदलने से जो होती है वो हवा की इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर वही कहानी है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं उस कहानी के साथ अभी अगर हम टाइटल रख देते प्रदूषण आप तो नहीं आते देखने ट्रेलर भी प्रदूषण थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू प्लीज सपोर्ट द फिल्म इट्स अ स्मॉल फिल्म प्लीज सपोर्ट इट थैंक यू ये नोबडी केमिकल तू पहले साइलेंस बोल साइलेंस प्लीज ऐसे नहीं कीप साइलेंस या कीप साइलेंस हाँ सर कड़वी हवा सर क्या बोलना चाहेंगे सर इस टॉपिक के बारे में कड़वी हवा वक्त अब बोलने का नहीं है वक्त है महसूस करने का अभी भी अगर हम बोलेंगे तो बहुत पीछे या बहुत आगे निकल जाएंगे हम इस माहौल से और जहाँ तक कड़वी हवा फिल्म का सवाल है एक बहुत ही अच्छे वक्त पर एक बहुत ही अच्छी और समसामायिक जिसको कहते हैं कंटेम्पररी फिल्म है जो पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा कोई सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज पर हमने हर चीज़ पर देख रखा है क्लाइमेट चेंज पे कड़वी हवा एक पहली पिक्चर है ऐसी और मुंद्रा साहब दृश्यम फिल्म ये इसके पीछे हैं हम कोशिश करेंगे इस फिल्म को जितने लोगों तक पहुँचा सकें पहुँचा पाए अब हलवाई खुद अपनी तारीफ करे मुंह पे मत रख हलवाई खुद अपनी तारीफ करे देख रहे हो हलवाई खुद अपनी तारीफ करे तो कठिन हो जाता है हलवाई का दुकान को करने दो हलवाई की दुकान को करने दो बताएंगे अद्भुत मिश्रा जी का जो रोल है वो एक फार्मर का है 71 साल की एज है बूढ़ा है लाचार है आँखों से दिख भी नहीं रहा और वो खुद परेशान है बट उनका छोटा सा परिवार है वो भी कर्ज में डूबा हुआ है तो दिस रोल व्हाट ही हैज प्लेड इज आई थिंक इज वन ऑफ हिज बेस्ट टिल डेट देयर आर मेनी मोर टू कम बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट व्हिच पोर्ट्रेज द रियलिटी एंड ड्रामेटाइजेशन ऑफ द एक्चुअलिटी जो है हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो वेदर डेनुडेशन का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर उसका जो उन्होंने अपने एक्टिंग से जो उन्होंने उसको दिखाया है कि कैसे हमारे पर इम्पैक्ट कर रहा है और एक फार्मर जिसने कोई रोल प्ले नहीं किया इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना में इज़ इम्पैक्टेड द मोस्ट बिकॉज ही इज़ एट द लोएस्ट चेन
वो चेन में जब लोएस्ट चेन में इंपैक्ट आ गया है तो ऊपर आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी. सो दैट रोल ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ प्लेड ब्यूटिफुली एंड ही हैज़ कैरीड द फिल्म अलॉन्ग विद रणवीर ऑन द शोल्डर्स. सो फिल्म हैज़ ए वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो हैज़ अ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट ड्रामा बिल्ट इन टू इट. ओके हाँ बिल्कुल 2018 में ये मतलब अगर पहुंच जाती है तो, लेकिन ये लोगों के दिलों तक पहुंचे तो उससे बेहतर है कि ऑस्कर में. और मैं एक और मनीष के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरी अब तक जितनी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है या मेरे एक्टिंग को, वो ज़्यादातर दृश्यम फिल्म के साथ ही हुई है. आंखों देखी, मसान, थोड़ा बहुत न्यूटन, नाव कड़वी हवा और आगे भी हम कई जगह कर रहे हैं साथ. अगर कोई अच्छा बल्लेबाज है और एकाएक उसको मालूम चलता है कि वो उससे बेहतरीन बॉलर है, तो जो उसके लाइफ में फीलिंग आती है, जो उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, जब आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक्टिंग करते हैं और आप दोनों तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं, ढोंडू जस्टिल भी करते हैं और जी अस्ट वो भी करते हैं, तो और ये भी करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यार. मैं ये जोड़ूं इसमें सर. जी 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 जी. इसमें क्या है कि इट्स लाइक 2020 है ढोंडू जस्टिल, बट ये टेस्ट मैच है. ये एक्चुअली टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, गलती से वहाँ खेल रहे हैं. इसकी बातों पर मत करना. पर सर लोकेशन को देखा जाए तो एक चंबल में लोकेट किया हुआ है, लोकेशन वहाँ की है. सर वहाँ की लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने या वहाँ की टंग को पकड़ने की कोई प्रॉब्लम या खास कुछ नहीं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 2 महीने तक वहीं था, लैंग्वेज पकड़ रहा था. नो नथिंग. हमारे साथ वहाँ का एक असिस्टेंट होता था विक्रम, जो बस पीछे पीछे बच्चों को माँ के जैसे दूध लेके घूमती है. सर हैगो बोलना है, हैगो. हाँ सर हैगो बोल दूँगा. सर हैगो बोलिए, हैगो हैगो करोगो ना करो. तो वो हमारे पीछे होता था, तो वो क्रेडिट उसको जाता है. और बेस्ट चीज़ है कि मेरे डायरेक्टर उड़ीसा के हैं, जिनकी हिंदी तो बम्पिलाट है. माशाल्लाह. और अब वो इस तरह के लैंग्वेज पर कि संजय भाई आपको ऐसा करना होगा, और पूरी फिल्म सिंग साउंड है, तो एक्टर्स को बहुत चांस थे. और 16mm पे शूट है, जो वो वाले जब आज से 25 साल पहले कर चलता रहता था और प्रोड्यूसर का पैसा भागता मीटर डाउन रहता था, तो उस वाले में हैगो जा बात समझ नहीं आ रही है ऐसे वाले डायलॉग से. तो एक हमारे साथ विक्रम था जो समझ लो एक आदमी को 10 बीवियाँ मिल गई हूँ. मतलब मज़ा तो आएगा ही यार. डिफरेंट. अभी 3 महीने में 3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, बादशाहों, गोलमाल और कड़वी हवा, तीनों अलग हैं. तो न्यूटन भी हो गई 4 महीनों. हाँ न्यूटन, चारों अलग हैं. तो बेहतरीन है यार, एक एक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है. सर क्रिएटिवली आपको ज़्यादा किसमें मज़ा आता है, टेस्ट मैच में मज़ा आता है? ऑब्वियसली कड़वी हवा, और क्योंकि वहाँ पर कंधे पे आपकी फिल्म होती है. और क्रिएटिविटी मतलब होता है कुछ निभाना भी, कि मतलब एक बंदा मुझे लेके कुछ सोच रहा है और मैं उसको बिगनिंग मिडिल एंड कर दूँ, तो क्रिएटिवली इसमें बहुत मज़ा आता है. लेकिन दिल से बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे कैरेक्टर्स करने में. और हम क्या देख सकते हैं आपसे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के रोल्स की? आपने अपने आप को भी चैलेंज किया, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे रोल्स भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, बखूबी कर रहे हो, तो और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए मैं कभी उस प्रकार का एक्टर नहीं रहा हूँ कि मैंने सोचा था अपने करियर में ऐसे ऐसे. जो आया मुसीबत, सुख दुख गम सबको गले लगाता चला गया. और कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब यार बाल बच्चों से नहीं उम्मीद करते हम, रोल से क्या उम्मीद करेंगे. तो कुछ नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, आता जाए. और मैं ऐसे चैलेंज ऐसे लोगों की वजह से, मनीष ने कमाल किया हुआ अभी हिंदी सिनेमा की जगत में जो है, इसने जो खड़ा किया है एक अलग प्रकार का सिनेमा, और अब दर्शक खड़े हो रहे हैं. अभी हमें मालूम चला कि काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं और व्यूज़ हो रहे हैं यूट्यूब पर. तो ये एक अच्छे लोगों का अच्छे सिनेमा के प्रति लगना है. तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग होंगे हम जैसे कई एक्टर्स को जिनको हास्य और कैरेक्टर एक्टर का नाम दिया जाता था, ऐसे रोल करने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग कैरेक्टर देखेंगे हम. काफ़ी एक्टरों को मिल भी रहा. तो सर
क्या ना जाए क्या बोलूं यस यस ऑब्वियसली हमारे फैंस उसको पूरा हफ्ता और कमाई अच्छी करवा रहे हैं तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल हमारी पूरी टीम गोलमाल की टीम उसके लिए नतमस्तक है उनके सामने बेहतरीन है अच्छा है बहुत देखिए गोलमाल एक अलग चीज़ है वहाँ आप लॉजिक भूल के जाइए लेकिन यहाँ से जब आप निकलिए कड़वी हवा देख के तो प्लीज़ एक पेड़ लगा दीजिए बहुत ज़रूरी है यार मतलब ये बहुत अलग किस्म की फिल्म है एंटरटेनमेंट हमेशा ढुंग ढुंग टुंग टुंग ढुंग ढुंग टुंग टुंग नहीं होता या बेबी डॉल में सील नहीं होता एंटरटेनमेंट होता है कि अगर आप मज़ा भी लीजिए और उसके बारे में सोचिए भी यस सर बोलो तुम बोलो मौसम की चेतावनी मौसम की चेतावनी ये कह रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा चेतावनी का मौसम थैंक यू शुक्रिया अच्छा लगा ट्रेलर एक मिनट इधर आके शूट करो जल्दी आओ इधर चलो आओ 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 बोलो एक साथ बहुत अच्छा लगा कोई कोई वीडियो से शूट कर रहा है कड़वी हवा बहुत अच्छा लगा बोलो वीडियो से शूट कर लेना भेज देना हाँ ट्रेलर अच्छा लगा जितने भी लोग आए थे बोलो ना यार थैंक यू कड़वी हवा थैंक यू यार एक वीडियो उससे शूट कर लेते हम इसको डाल आ जाओ ना सब लोग छोड़ के इधर आ जाओ रखना है आज ही इधर आइए चलो एक सामने से लो ना ठीक है थैंक यू अलविदा दोस्तों अमृतसर